बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे तो सऊदी अरब में रहते हुए ट्रैफिक वायोलेशन किस तरह पे करते हैं, फ़ाइन कैसे पे करेंगे, इसका क्या तरीका है। उसके लिए अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अकाउंट ऑनलाइन होना चाहिए। अगर आप एटीएम से पे करना चाहते हैं तो एटीएम में आप गवर्नमेंट पेमेंट पे जाएंगे, गवर्नमेंट पेमेंट पे उसके बाद ट्रैफिक वायोलेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपने आईडी नंबर पे सिलेक्ट करेंगे, आईडी नंबर डालेंगे, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो वो आपको जो ट्रैफिक वायोलेशन जितनी भी होगी वो उधर शो हो जाएगी। एक एटीएम का ये तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ऑनलाइन अकाउंट है और आप यहाँ से पेड करना चाहते हैं तो आसान तरीका है। उसके लिए हम पेमेंट्स पे जाएंगे। पेमेंट्स पे जाने के बाद आपने जाना है सदात पे। जब आप सदात पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद तीन ऑप्शन खुल जाएंगे, सदात बिल्स, मोई पेमेंट और सदात अकाउंट्स। तो मैं मोई पेमेंट्स यानी कि गवर्नमेंट्स पेमेंट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये देखें चार ऑप्शन पांच हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, सऊदी पासपोर्ट, ट्रैफिक वायोलेशन या मोटर व्हीकल। तो हमने ट्रैफिक का फ़ाइन पेड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रैफिक वायोलेशन। जब आप यहाँ पे आएंगे तो ट्रांजैक्शन टाइप में आप पेमेंट पे जाएंगे और नीचे एप्लीकेशन टाइप पे आपने यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक क्यूरी सिविलियन आईडी नंबर है, दूसरा क्यूरी बाय वायोलेशन नंबर, यानी कि जब वायोलेशन होती है तो उस पर एक वायोलेशन नंबर होता है, एक हमारा कामा नंबर होता है। अगर आप वायोलेशन नंबर से भी पेड कर सकते हैं तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कामे पे है तो आप कामा नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो कामा नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना कामा डालेंगे। तो मैं अपना ही कामा डालता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। मुझे कोई ट्रैफिक वायोलेशन नहीं है मेरे कामे पे, तो वो बता रहा है नो ट्रैफिक वायोलेशन फंड फॉर दिस अकाउंट। तो वो कह रहा है कि आपके इकामा पे ट्रैफिक वायोलेशन नहीं है। तो अभी मेरे पास एक और दोस्त का इकामा नंबर है, उसके इकामे पे ट्रैफिक वायोलेशन है, तो मैं अभी आपके पास आपके सामने उसका इकामा नंबर लिखूँगा। यहाँ पे 240 702। तो देखें, अभी मैंने अपना इकामा नंबर डाला था तो उस पर वायोलेशन नहीं था तो ज़ीरो आया था। तो देखें, इस दोस्त के इकामा नंबर पे 500 रियाल का वायोलेशन है, तो ये 500 रियाल की वायोलेशन इस पे है। ठीक है, तो ये तरीका था चेक करने का। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबका हमीय नासिर हो। एक दफ़ा फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या तरीका है। पेमेंट्स पे जाना है, पेमेंट के बाद गवर्नमेंट पेमेंट, उसके बाद ट्रैफिक वायोलेशन, उसके बाद इकामा नंबर और प्रोसीड पे क्लिक कर दें।